नमस्कार, मैं शिल्पी त्रिपाठी एबीपीएस के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे गांव के विकास और पंचायत को लेकर के गांव के लोग किन किन मुसीबतों से जूझ रहे हैं और जिसका निराकरण कैसे हो सकता है। आइए बात करते हैं जालौन से भाजपा विधायक कुंवर नरेंद्र पाल सिंह जी से। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। विधायक जी, आपने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या विकास किए हैं? मैं कालपी से 220 विधानसभा का विधायक हूँ। सबसे पहले हमने अपनी विधानसभा में पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए कई महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको चिन्हित किया है, जैसे ब्यास मंदिर है, सूर्य मंदिर है जो हिंदुस्तान में केवल दो हैं, कोणार्क और कालपी में, पारासर जो ब्यास जी के पिताजी थे उनके कर्मस्थली है। ऐसे करीब 5-7 स्थान वो चिन्हित किए हैं और उस पर काम शुरू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है तो उस पर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया है। रोड जो बहुत महत्वपूर्ण थे वो रोड बनवाए हैं, जैसे महवा ब्लॉक में एक सिकरी से एक रोड जाता था मुसमरिया, 7 किलोमीटर, बहुत बरसों से ख़राब था, कई विधायक आए नहीं करा पाए, वो हमने आते आते उस रोड को बनवा दिया है। लगभग पूरी विधानसभा में 600 हैंडपाइप की बोरिंग कराई है, रिबोर कराए हैं। पेयजल के लिए लिफ्ट कैनाल की मांग की है, जिस पर शासन ने मंजूरी दे दी है लिफ्ट कैनाल बनाने के लिए। बड़े बड़े पुल, 5 पुल दिए थे, उसमें 2 की स्वीकृति प्रदान हो गई है। बड़े पुल जो 60 मीटर से ज़्यादा के बड़े पुल हैं वो 2 पुल स्वीकृत कर लिए गए हैं। बाकी काम चल रहा है, सबसे ज़्यादा रोडों में काम हमारी विधानसभा में हुआ है। शिक्षा विभाग में अलग सरकार ने जो काम किया है, प्रत्येक स्कूलों में ड्रेस वितरण और बस्ता वितरण, बाकी सब काम सरकार के जो सबका साथ सबका विकास लेके जो काम सरकार कर रही है उसमें पूरी तरह से हमारी विधानसभा में संतुष्ट हैं लोग और उसी पर काम किया जा रहा है। नहीं, जैसे आपने कहा कि आप शिक्षा के प्रति जो काम कर रहे हैं, ड्रेस वितरण, बस्ता वितरण, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया, लेकिन जो स्कूल हैं उसमें आज भी बच्चे ज़मीन में बैठ के पढ़ाई करते हैं, फर्नीचर वगैरह नहीं है वहाँ पे, स्कूल में बाउंड्री नहीं है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये मेरी विधानसभा में ऐसी स्थिति नहीं है। हो सकता है एक दो स्कूल हों लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कोई बच्चा ज़मीन में बैठता हो, सबको टाट पट्टी मिल रही है और पूरी तरह से उनकी बाउंड्री हैं। कुछ विद्यालय बाउंड्री नहीं है तो बिगड़ी व्यवस्था बहुत जल्दी ठीक नहीं हो सकती और धीरे धीरे उस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे आपने कहा कि सबको टाट पट्टी मिल रही है, तो हम सर टाट पट्टी की तो बात कर रहे हैं कि सब ज़मीन पर ही बैठते हैं लेकिन फर्नीचर वगैरह नहीं, इसका क्या? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है कि ज़मीन पर बैठते हैं, टाट पट्टी बैठते हैं। जूनियर स्कूल में कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो टाट पट्टी बैठते हों, वो सब फर्नीचर बैठते हैं, सब कुर्सी बैठते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारी विधानसभा में सब कुर्सी बैठते हैं। प्राइमरी में ज़रूर कहीं कहीं टाट पट्टी हैं तो उसको भी आगे चल के किया जा रहा है। देखिए, ये बताइए कि जहाँ तक रोज़गार की बात करें तो बीजेपी की सरकार बनने के टाइम पे वादा किया गया था कि हर युवा को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन आज भी रोज़गार कहीं नहीं है, इसका क्या कारण? नहीं, रोज़गार की व्यवस्था तो की जा रही है, यानी कितनी योजनाएं निकाली गई हैं जिसमें गरीबों को रोज़गार, नौजवानों को रोज़गार दिया जा रहा है। मुद्रा योजना है, बैंक से लोन दिया जा रहा है और हमारे यहाँ तो काफ़ी लोगों को उसमें नौकरी मिली है। एक जो योजना चलाई गई थी मनरेगा योजना, उसमें 100 दिन रोज़गार की गारंटी थी कि एक दिन जो मजदूर उसमें काम करते हैं उसको 175 रुपये डेली मिलता है, लेकिन वही मजदूर जब प्राइवेट काम करने के लिए जाते हैं तो 300 या 350 रुपये मिलते हैं। ऐसे में जो मजदूर जिसको 175 रुपये मिलते हैं वो अपने परिवार को खुशहाल कैसे रख पाएगा, इस पर क्या सरकार क्या सोच रही है? मजदूर तो पूरी तरह से संतुष्ट है, मनरेगा के जो काम करते हैं मजदूर वो पूरी तरह से, जितना समय उनका काम करने में लगता है उस हिसाब से उनकी मजदूरी से मजदूर एकदम संतुष्ट है। कहीं ऐसा नहीं है कि वो कह रहा हो कि हमको मजदूरी कम है, ना आज तक किसी मजदूर ने मजदूरी की बढ़ने की मांग की है और ना उनको कम मिल रहा है। विधायक जी, ये बताइए कि आपके हिसाब से ग्राम पंचायत क्या मायने रखती है? हमारी सरकार ने केंद्र बिंदु बनाया है ग्राम पंचायत को,
और महत्वपूर्ण काम जितने ग्राम पंचायत के विकास के संबंध में हैं वो सब ग्राम पंचायत के माध्यम से ही सरकार कराना चाहती है। अभी हैंडपाइप के रिबोर पहले हम लोगों को दिए गए थे कि जल निगम या कोई अन्य संस्था कराएगी, वो भी सरकार ने ग्राम पंचायत को सौंप दिए हैं। जितने विकास के कार्य हैं लगभग सारे काम ग्राम पंचायत के माध्यम से कराए जा रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत को इकाई माना है, विकास के में ग्राम पंचायत की बहुत बड़ी भागीदारी है। देखिए जैसे ये हो रहा है कि बहुत सारे गांव में विकास नहीं हो पा रहा है कि शहर और ग्रामीण दो भारत हो गए हैं, ठीक है, और उसमें जो भी सरकार हो वो गांव पे ध्यान नहीं देती है, सिर्फ शहर पर ही ध्यान देती है, इसका क्या कारण है? ऐसा है कि हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है किसानों पर, और जब किसान समृद्ध होगा, किसान की आय दुगनी की जा रही है, उस पर सरकार काम कर रही है, तो जो पलायन हो रहा था वो रुक रहा है और जो चले गए हैं वो सब वापस अपने यहाँ आएंगे। देहात से शहर में जाने वाले थे लोग जो जा रहे थे, उनकी सबकी मानसिकता बन गई है गांव जाने के लिए। जब गांव में काम होगा तो बाहर क्यों जाएगा। और अभी वो इन्वेस्टर साइट हुई थी जो पूरे देश के और विदेश के उद्योगपति बुलाए गए थे, उसमें भी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा उसको महत्व दिया गया और उसमें रोज़गार बहुत ज़्यादा युवकों को मिला गया बुंदेलखंड में। इसलिए जो दिल्ली बम्बई जहाँ भी बाहर कमाने गए हैं वो सारे लोगों की वापसी की उम्मीद है कि सब लोग अपने अपने घर वापस आएंगे। मतलब सबको रोज़गार दिया जाएगा? जी दिया जाएगा। बताइए जो गांव में जो सफाई कर्मी होते हैं उनको 17,000 से ऊपर का वेतन दिया जाता है, वहीं गांव के जो मुखिया होते हैं उनको 3,500 रुपए दिए जाते हैं, इसका क्या कारण? वेतन नहीं दिया जाता, गांव के मुखिया को वेतन कहाँ दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है। तो मानदेय और वेतन में अंतर है, तो मानदेय उनके लिए तो पर्याप्त है। हमारी जो ग्रामीण जनता है उसके लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? ग्रामीण जनता को संदेश चला गया है, सरकार जो काम कर रही है पूरी तरह से पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को, महिलाओं को, युवा नौजवानों के लिए जो सरकार अलग अलग योजनाएं ला रही है, ये संदेश तो चला गया है, हमको अलग से देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके हिसाब से गांव में क्या क्या होना चाहिए कि जो आम इंसान किसान है वो अपने परिवार को खुशहाल रख सकें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें? हमारे हिसाब से किसान को वो सुविधाएँ होनी चाहिए जिससे जो सरकार ने केंद्र सरकार ने किया है कि किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। दोगुनी करने के लिए जो किसान को मुहैया करा रही है सरकार जो साधन, चाहे सिंचाई का साधन हो, चाहे बिजली का साधन हो, जो भी साधन मुहैया करा रही है वही उनके लिए सफलता का सूत्र है। और वो जब सफल हो जाएंगे, वो जब अपना खुशहाल हो जाएंगे, तो फिर पलायन भी दूर होगा और पूरी तरह से ग्रामीण जनता खुश हो रहेगी। आज बिजली भी पर्याप्त मिल रही है, इसके पहले इतनी बिजली कभी गाँव में नहीं मिली। गाँव में कोई किसान, कोई ग्रामीण बिजली के लिए नहीं कहता कि हमको बिजली कम मिली है। और बिजली पर्याप्त काम के लिए, पर्याप्त योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज उसको मुहैया कराई जा रही है। विधायक जी, जहाँ तक बात करें बिजली की, तो बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे बिजली फ्री दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में के गाँव में ऐसा नहीं है, कहीं फ्री नहीं दी जा रही है। फ्री नहीं, कहीं नहीं दी जा रही, बताइए कहाँ दी जा रही है? उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं दी जा रही, कहीं फ्री नहीं जा रही। ये बात अलग है कि बिजली कहीं के रेट ज़्यादा हैं, कहीं के कम हो सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं दी जा रही कहीं की। गरीबों को दी जा रही है, हमारे प्रदेश में अभी भी कनेक्शन फ्री किए जा रहे हैं, कनेक्शन फ्री किया जा रही है। पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में कि गरीबों को फ्री कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके पहले लाइन लगा दी 15-15, 20-20 हज़ार रुपये रिश्वत दे के लोग कनेक्शन कराते हैं। आज कैंप लगा के हमारी सरकार गरीबों को, पिछड़ों को फ्री कनेक्शन दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। तो ये तो थे जालौन से भाजपा विधायक कुंवर नरेंद्र पाल सिंह जी, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। आगे भी हम आशा करते हैं कि विधानसभा में गांव के विकास को लेकर सवाल उठाते रहेंगे और हम आपको अन्य जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए शिल्पी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।